मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। कृष्ण बिहारी नूर का ये शेर वाकई गजल की खूबसूरती, उसकी बानगी को बयां करता है। और गजल में वो बात है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गजल अदायगी अगर गायकी के लिहाज से बात की जाए तो अपने आप में एक ऐसा फन है जिसका कोई और छोर नहीं है, अथाह है, वो समंदर की तरह है। और आज इमेजेस में हमारे साथ हैं गजल सिंगर, फिल्म एंड थिएटर पर्सनालिटी श्रीमती पैमेला सिंह जी, जिनसे जानेंगे उनके जीवन के सफर के बारे में। पैमेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईना में। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सिंगिंग की तरफ, गायकी की तरफ आपका आना कैसे हुआ? ऐसे है कि मैं जब 2 साल की थी, ये मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो साहिवाल मॉन्टगोमरी, जिसको पहले बोलते थे अब साहिवाल बोलते हैं जी। तो मेरी मॉन्टगोमरी उस वहाँ पे की पैदाइश है जी। लाहौर में जब मैं 2 साल की थी तो हमारे बगल में रहती थी मलिका पुखराज। अच्छा। तो जब भी वो अपना शुरू करती थी गाना तो मैं आराम से हौले से चली जाती थी। हालांकि उन दिनों मेरी दादी भी बहुत, उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाऊँ क्योंकि नहीं अच्छा समझते थे जी। लेकिन मेरे फादर कहते कि मैं क्या करूँ, जब वो गाना सुनती है तो उसको जाने दो। तो ऐसे मेरा शौक जो था उस तरफ हुआ जी। जब हम उसके बाद हम आफ्टर पार्टीशन जब आए आए हैं हम लोग, तो पठानकोट में वहाँ पे मेरे मदर एजुकेशनिस्ट थी, तेजी बच्चन से साथ पढ़ी हुई थी जी। और मेरे फादर क्योंकि इधर उधर जाते रहते थे, माउंटेनियरिंग में जाते थे, जैसे तेंजिंग के साथ गए, क्या बात है, लेकिन एवरेस्ट भी नहीं, उसके बाद मतलब उसके बाद जितने भी जाते रहे तो क्योंकि लेकिन मेरी मदर ने यही सोचा कि मैं पठानकोट में यहीं पर रह के अपने बच्चों का की एजुकेशन करूँ। तो उन्होंने वहाँ पे प्रिंसिपलशिप उन्होंने आर्य स्कूल में ले ली जी। क्योंकि पढ़ाई थी और उसके बाद 5-6 साल की थी तो कोई हमारे घर में आए तो मेरे मदर ने ये कहा कि इसको गाने का शौक है। मैंने गाया जाएं तो जाएं कहाँ। तो वो उस वक्त मिसेस शारदा भारद्वाज एक होती थी जो कि मेरे मदर की स्कूल में एज टीचर एज लेक्चरर उन्होंने उनको रखा था। उन्होंने कहा कि इसको ज़रूर गाना सिखाएं, तो उन्होंने फिर मुझे गाने के लिए फोर्स किया। तो आप मैं भी उसी बस उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्हीं दिनों अप्रैल में एक वहाँ पे विसाखी का म्यूजिक कंसर्ट हुआ करती थी। अच्छा। तो वहाँ आई बेगम अख्तर, अरे वाह, आते थे बेगम अख्तर, ये आती थी शांति हीरानंद, अंजलि बैनर्जी और निर्मला अरुण, ये लोग सब आया करती थी। क्या बात है। तो मैं वहाँ जाज पे सुनती थी तो मैंने सबसे पहले बेगम अख्तर जो थी उनका मुझे बड़ा शौक था उनकी गजलों का। तो वो गाया करती थी ए मोहब्बत जहाँ पे रोना आया, तो और उसके अलावा भी और गाती थी तो उनसे मैंने ब्लेसिंग ली। उसके बाद पीछे नहीं हट के देखा, मुझे था कि मैं ऐसे ही गाऊंगी। आपने कहा आप ऐसे ही गाएंगी और आप समंदर के पास हमें लाई हैं इतने बड़े बड़े नाम लेकर, अब हम पैसे नहीं रह सकते, आप कुछ अगर इनायत कर दें। शुरुआत मेरी मलिका पुखराज जी से हुई थी जी। तो वो मैं आपको सुना देती हूँ, हफीज जलंधरी का अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हवा भी खुश गवार है, गुलों पे भी निकार है, तरन में हजार है, बहारपुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, अरे ये देखता क्या क्या,
उठा सबू सबू उठा सबू उठा के प्याला भर के दे इधर चमन की संत कर नजर समा तो देख बेखबर वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई आया है खजू में मैं कशा है सुवे मैं कदारवा ये क्या गुमा है बदगुमा समझ न मुझको नातवा ख्याल दोहत अभी कहा अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं जवान हूँ ये गाना गागा के मैंने अपने आप को जवान रखा। क्या मानती हैं पैमेला जी जो अल्फाज की एक ताकत है उनकी जो एक तासीर है असर जिसे हम कहते हैं आप कितना उसे महत्व देती हैं? मैं देखती हूँ कि जो अल्फाज जब तक उसको समझा ना जाए हर अल्फाज को समझना चाहिए उसका क्या मीनिंग है उसके बाद ही उसकी इमोशंस जो है आपको उस ने अपना सिंगिंग की ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब रियाज हाँ, जारी रखा। वो चलता रहा वो शुरू मतलब उसके आने के बाद ही फिर मैंने वो शुरू किया। अच्छा उस दौरान मैंने वो थिएटर में पृथ्वी थिएटर उस वक्त पृथ्वीराज कपूर थे हाँ जी उन्होंने वहाँ पे थिएटर किया वो एक था उसका प्ले का नाम था पैसा। अच्छा उन्होंने किया पृथ्वीराज कपूर उन्होंने किया तो मैं क्या देख रही थी कि वो जब लोग देख के जा रहे थे शो उनका तो उन्होंने आगे फैला के हाथ वो झोली फैलाई ताकि लोग उसमें मनी उसमें डाल सके क्योंकि उन दिनों इतना मनी का था नहीं तो थिएटर मुझे एक तो वहां से मुझे फैसिनेट किया उसने हाँ और दूसरी बात फादर मेरे शिमला में थे जी तो वो अक्सर जाते थे गेटी थिएटर में जाके उन्होंने रिहर्सल्स कर ली वो मैंने देखना जी तो वो उससे मेरे मुझे थिएटर में भी उसका जी असर जी हुआ जी। तो आपने खुद एक्टिंग या थिएटर करना कब शुरू किया? वो तो बहुत बाद में किया लेकिन उससे पहले जब मैं कॉलेज में हुई जी तो कॉलेज में मेरी मुलाकात जगजीत सिंह जी से हुई। आहा क्या बात है जगजीत सिंह क्योंकि मैं क्लासिकल गाती थी मैं लुधियाने में थी वो जलंधर में थे तो जब भी वो कॉम्पिटिशन में आते थे सारे कॉम्पिटिशन इकट्ठे होते थे तो उस वक्त वो वहाँ पे एक उन्होंने था उनका फेवरेट था जवानी के हीले हया के बहाने माना कि तुम मुझसे पर्दा करोगी तो ये मैंने कहा मुझे भी सिखाओ तो मैं हॉस्टल में नहीं थी तो जरा मुश्किल था मुझे बाहर जाना लेकिन कोशिश की कि मैंने चलो जाया जाए तो एक कॉमन फ्रेंड थी वहां जाके मैंने उनसे जगजीत से दो दफा मैंने शुरू किया उनसे सीखना मुझे कहने लगे ऐसे है कि आप मेरा स्टाइल नहीं सीख पाओगे अच्छा तो इससे आपका स्टाइल है दूसरी तरफ बेगम अख्तर स्टाइल उस तरफ है तो आप अगर मेरा आप कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे तो आप यही स्टाइल आप रहने दीजिए तो फिर मैंने उसके बाद उसी पे चलती रही। पैमेला जी आपकी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस कब हुई? फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस में 14 साल की थी जब मैं क्या बात है तो पठानकोट में उस वक्त जिन दिनों मैंने बताया ना कि बेगम अख्तर ये लोग मिलते जी, थे जी, जी। उन्हीं दिनों मैंने किया साथ में आपका रियाज आपकी प्रैक्टिस भी चलती प्रैक्टिस चलती रही वही राग सीखते उसके बाद मैं जाती थी वहाँ पे होशियारपुर में हमारा सेंटर बना करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिर मैंने ग्रेजुएट करते करते मैंने प्रभाकर कर दी। कॉलेज में आपको रियाज की बात ये बताती हूँ कि जो मेरे तबला प्लेयर थे वो मुझे कहते थे कि रियाज थोड़ा नीचे अंदर नीचे मंदर करना है। अच्छा तो मुझे एक राग था दरबारी हाँ जी। जो कि मर्दाना राग कहा जाता अच्छा, है उसको, जी। क्योंकि उसमें ना जरा आवाज होनी चाहिए वैसे जी। तो मैं मुझे उन्होंने सबको कह देना कि देखो ये लड़की नीचे वाला साल गाएगी तो बाकी जो तबले वाले थे वो कहते मानते ही नहीं थे तो उन्होंने शर्त लगा लेनी कि नहीं देखना और उन्होंने मुझे कह रखा था कि मैं तुझे इशारा करूंगा तो तू नीचे वाला स्वर लगाएगी साल लगाएगी और साल लगा के तू जजेस की तरफ देखेगी। जब भी मैंने साल लगाना तो मैंने जजेस की तरफ देखना तो जजेस ने करना सी दैट प्राइस उन्होंने जब आजा रस जब ये सुन के हाँ मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो जानी तो सब लोगों से वो पैसे इकट्ठा कर अच्छा। किया कुछ याद आता है कुछ हल्की सी नजीर उसकी अगर आप बताएं आ, 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 आ,
ये जो नीचे वाला है ये बहुत कम कम लगता है जी, स्पेशली जो यंग लेडी यंग जो जंग बच्चे, तो इसलिए ये जो चीज़ थी जब भी ये मैंने साल लगाना ये करना तो जज की तरफ देखना उन्होंने प्राइज मिल जाता था। जब आप हॉस्टल में थी हाँ, तो आपको रूम में रियाज करने के लिए भी मनाही थी हाँ, वो जरा बताइए क्या है। बताती हूँ, इंटरेस्टिंग बात जी, है जी, कि मैं रियाज कर रही थी, शाम का वक्त था जी, तो मेरी वार्डन आई राउंड लेती लेती तो अंदर आके कहती है बड़ी गुस्से में, वो लड़का यहाँ से निकालो। अच्छा लड़का? मैंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मैंने अभी सुनी है उसकी बात, वो लड़का था आपके रूम में। मैंने कहा मैडम देख लो, आप सब तरफ देख लो, नहीं ऐसी कोई बात। कहते मैं जो कहती हूँ। खैर उन्होंने मेरे कमरे को सर्च किया तो जब वो बाहर आ गई मैंने फिर शुरू कर दिया। सो वो फिर आ गई, मैंने कहा मैडम ऐसे है आपने अलमारी नहीं देखी थी जी, वो अलमारी मेरी देख लो। तो उस मतलब ये आवाज क्योंकि ज्यादा जो भारी आवाज है वो बहुत कम लोग की, उसमें क्या है कि रियाज करते 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 अच्छा, वो जो है मन जाती है। तो बिल्कुल, तो आपका शुरू से था कि आपको इसी तरफ आना है, जैसे आपने बताया जगजीत सिंह जी से आपकी बात हुई हाँ, और फिर आपको एकदम क्लियर हो गया कि आपको इसी तरह की सिंगिंग में ही आना है। बिल्कुल, मैंने इसी वह तो एमए मैंने करी और एमए में हर जितने भी फंक्शन जितने भी कॉम्पिटिशन होते थे खूब मैंने उसमें भाग लिया। 3 दिन के बाद मेरी हाँ जी मेरी शादी हो गई। अच्छा हाँ, एमए के 3 दिन के बाद जब मैं घर पहुंची जी, तो ये अगले लेडी संगीत हो रहा था तो मैंने फादर को कहा कि मैं बड़ी बोर हो गई हूँ, मैं पिक्चर देखा हूं। मैं पिक्चर चली गई वो जब प्यार किया तो डरना, अरे वाह, उन दिनों थी तो जो वहां पे लोग आए हुए थे वो बड़े हैरान के पैम तेरी इसकी तो शादी कल कार्ड सारे बटे हुए हैं हाँ। और खैर मैंने वो गाया और जब मैं घर आई तो घर वालों से सभी लोग कह लेंगे संगीत वाले जो चल रहा था कि वो कहाँ है, कहते वो अभी तक हॉस्टल से नहीं आए। एनीवे मैंने आके पहले तो वहाँ पे लेडीज की पहले तो वहाँ गाना गाया गया। क्या बात है, खूब अपनी शादी में खुद आपने गाना गाया। अच्छा उसके बाद सुनो, उसके बाद जी उसके बाद क्या हुआ, जब बारात आई तो मेरे मेरे फादर इन लॉ बड़े वो थे क्योंकि हमारी इंटरकास्ट मेरी मैरिज थी जी, जी, जी। मेरे मुझे जो मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे बॉर्डर एरिया में मिले थे। अच्छा, जब मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ती थी हुँ। तो उन दोनों सिलसिला चलता रहा, वो आर्मी में थे जी। तो उनका सिलसिला था कि इसी से मैरिज करनी है, एनी भी इंटरकास्ट मैरिज थी। तो वो जो मैं आपको किस्सा बताने लगी हूँ कि मैंने हरियाणा के थे सारे लोग बराती, हम पंजाब से बरात आगे, मैंने नच को पीछे किया और मैंने गाना शुरू कर दिया, रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया और एक वो जो जवानी के हीले जो मैंने जगजीत से जी 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 वो मैंने हल्की सी इनायत अगर आप उन दोनों में से किसी एक गीत की कर दें। जवानी के हीले खया के बहाने ये माना के तुम से पर्दा करोगी, जवानी के हीले खया के बहाने ये माना के तुम से पर्दा करोगी, ये दुनिया अगर मुझसे भूली नहीं है छिपा के मोहब्बत को रुसवा करोगी, जवानी के हीले। क्या कहने, बहुत। अब थोड़ा सा थिएटर की बात करें जहां आप एक्टिवली इन्वॉल्व हुई जाकर थिएटर में। थिएटर में ऐसे हुआ कि जब मैं शादी होगी जब मैं पहले मैंने लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में 71 में शुरू किया। अच्छा। मेरी ट्रांसफर 77 में चंडीगढ़ हो गई जी। वहाँ पे एक पर्सनालिटी है नीलम मान सिंह, तो वहाँ पे मैं अपनी बेटी जो थी वो भी एक्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी उसको लेने जाती थी, तो उनको उनको हीर रांझा करना था, हीर की माँ नहीं मिल रही थी तो मुझे कहते हैं जी आप हीर की मदर का रोल करो, तो मैंने कहा चलो क्वालिटी टाइम हीर तो बन नहीं सकी चलो अब हीर की माँ ही सही जी। तो फिर मैंने हीर की मदर का रोल किया, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं डायलॉग्स मैं गाना तो जितना लंबा हो मैं गा सकती हूँ लेकिन डायलॉग जो है याद करने बड़े मुश्किल। अच्छा जी। तो मेरी डायरेक्टर और मेरी उधर से मेरी बेटी दोनों जब तक मैं स्टेज पे रहती थी उनको डर ही लग रहा था कि पैम कहीं पे
ये डायलॉग ना बोल दे। और यही हालत मेरी जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में भी एक प्ले हुआ उस पार प्ले 1962 में। अच्छा। उसमें भी यही था कि डायलॉग्स, तीन डायलॉग्स वो भूल गई, तो इसलिए फिर मेरी डायरेक्टर ने ये कहा कि आप मेरे, और उन्होंने भी कहा कि आप इनकी आवाज को आप का इस्तेमाल कराइए बजाय कि इनको डायलॉग देने की। तो यहाँ तक कि एक डायलॉग मैंने गाया तो अगले दिन अखबार में आया, द डायलॉग डिलीवरी ऑफ पैमला सिंह वाज यूनिक। लेकिन उनको पता नहीं था कि इसमें क्या रहा, ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ था। जी, तो थिएटर का सिलसिला फिर उनके साथ आपने जो उनका ट्रू था, हाँ जी, उसमें आपने जाना शुरू किया। फिर पहले तो इंडिया में करे, मैं कहा चार दफा तो इंग्लैंड गए, दो दफा जापान और तीन चार दफा हम लाहौर गए हैं। अरे तो इस तरह ट्रेवल हम लोग करते हैं। लाहौर का आपने जिक्र किया, वहाँ की आपकी पैदाइश है, जब आप गई वहाँ पर एज अ परफॉर्मर कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक कि मैंने अनारकली बाजार में यही नज्म अभी तो मैं जवान हूँ गाई, जो लुत्फ मुझे वहाँ आया मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और पीपल वर सो हॉस्पिटेबल, इतना वो ख्याल रखना उनका, यही था कि एक तो संगीत की कोई सरहद नहीं है, सही है, बात है, संगीत अमन का है ये, इसमें अमन जो है वो जरूरी है ये। मैंने जी उसके बाद में आपकी मल्लिका पुखराज जी से भी दोबारा मुलाकात, हाँ, जब 82 में वो जनवरी में, अभी भी याद है, वो 82 में वो चंडीगढ़ में आई जी, तो मैंने उनके पास में गई, मैंने कहा आपको एक याद है कि एक लड़की आपके पास क्रॉल करके आया करती थी, उनको वो याद था। आपको शुरू से पैशन था और कहीं था कि संगीत ही जिंदगी है जिसमें आपको मतलब हमेशा डूबे रहना है। जुनून नहीं होता जी, जुनून है कि भी नहीं करना है, जैसे वो रियाज भी जैसे लगता है मेरी ऑक्सीजन है जी, कि ये बहुत जरूरी है। और आपने कहीं कहा भी है कि जिस दिन रियाज नहीं उस दिन खाना, हाँ, जिस दिन मैंने नहीं गाना जिस दिन नहीं गाना उस दिन नहीं खाना। अच्छा, देखो जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगी, जब तक आप वो नहीं होगी कि हाँ मैंने करना है, बाकी ठीक है। कहते हैं मंजिल मिले मिले ना मिले उसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है, एटलीस्ट आई एम गोइंग। बात की जाए फिल्मों की तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज है कि उम्र के इस मकाम पे आके जहाँ लोग उमूमन सोच लेते हैं कि बस हुआ, वहां से एक नई शुरुआत आपकी नई पारी। ऐसे हुआ कि शौक तो था, हाँ जी, वही मैं कहती जो बचपन का शौक है ना वो आगे भी चलते हैं जी। जैसे थिएटर का था है, वो हुआ, फिर शूटिंग देखी वो था, आपके अंकल लेके जाते थे आप, वो ये चीजें जो है ये आगे चलती चलती है जी। कहीं मन में दबी ख्वाहिशें होती हैं जो कुल बराहट जो कहते हैं वो बिल्कुल। तो चंडीगढ़ में कुछ लोग आए, मुझे पता किसी ने बताया कि ऑडिशन है तो आप ऑडिशन पे जाइए, मैं चली गई, मैं और मेरी सिस्टर से हम दोनों चले गए वहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि ऐसे एक कोई लेडी संगीत वो हो रहा है, तो जैसे या कोई बारात आने वाली है तो आप क्या करोगे, क्या गाओगे, क्या करोगे, तो मैंने कहा ये देखो मैं ठीक लग रही हूँ, हाँ ठीक है ना, तो ऐसे करके फिर मैंने वो एक गाया लठे दी चादर उते सलेटी रंग माया, आवो सामने खोलो दिरुस के न लंग माया, लठे दी चादर उते सलेटी रंग माया, आवो सामने खोलो दिरुस के न लंग माया। क्या ये गाया जी, ये चले करके कुछ दिन के बाद आ गया जी आपको कैलकटा बुलाया। अच्छा। शूटिंग के लिए जब कैलकटा पहुंची तो वहां पे इम्तियाज अली जो इनके डायरेक्टर थे जी, फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कुछ गाने कुछ बता दीजिए तीन चार, तो वो फिर गाना एक सिलेक्ट किया, तो वो फिर मैंने लव आजकल में वो गाया। अच्छा। उसके अलावा फिर एक्ट थोड़ा सा किया। वो जो आपने गाया वो यही गाना था? हाँ, थोड़ा सा बताएंगे कौन सा गाना था? लैदमड़ी खलवाई इट जानिया, लैदमड़ी खलवाई इट जानिया, लैदमड़ी सच
सड़बल गई मैं पिक टुर गई खसमा नु खाने में तेरे जो गिरी। तो ये गाना जो था बहुत खूब, ये फिर मैंने उसमें गाया बिल्कुल। तो उसका रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि फिर बैंड बाजा बारात में भी दोबारा आपको कास्ट किया। बैंड बाजा बारात में मुझे तनुष्का की बुआ बनी थी, लेकिन वही है ना कि स्टेज पे जाओ तो कोई टेक रीटेक नहीं होना, लेकिन ये पता है कि कैमरा है सामने, चलो एक दफा नहीं पैमला तूने गलत बोल दिया तो चलो दोबारा होगा। तो वो फिर तीन चार लाइनें थी जो बड़ी मुश्किल से मैंने वो फिर आ गई। अम्बाला से मरती खपती आ रही है बुआ, इतना सोना रिश्ता लेके, और ये हमें दिखा रही है। मैंने तो कहा था श्रुति आएगी तो हाय तौबा मचाएगी, और फिर पापा बोले अब इतनी दूर से आई है बुआ, एक बार देख तो ले। अरे हमारी गुड़िया 3 साल से अनु के साथ काम किए जा रही है, अब आराम से शादी कर, शादी के बाद बना ली अपने, शादी मुबारक। फिल्मों के लिए कभी सोचा था कि उम्र की इस पड़ाव पे आगे कभी ऐसा मौका आएगा? कभी भी नहीं, कभी नहीं सोचा था जी। अब यहाँ पर आके क्या महसूस करती हैं? देखिए म्यूजिक ऐसी चीज है, मैं अब आपको क्या बताऊं कि मेरे हस्बैंड की अभी जनवरी में डेथ हो गई। जिसको डेथ हुई है तो जब बॉडी को घर लाया गया तो मैंने यही तानपुरा, यही मैंने इसको ऑन कर दिया। अच्छा, बॉडी के सामने ऑन कर दिया, और आप हैरान होंगे जब उनका चौथा हुआ, फोर्थ, पांचवें दिन मैंने ये पकड़ लिया, मैंने गाना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक तो चला गया, जो मेरे पास है, जो मेरे साथ रहेगा जी, मैं उसको तो ठीक करूं। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी कहते थे कमिटमेंट जो है चीज बहुत जरूरी चीज है, अगर मैं तबीयत अगर मेरी खराब भी हो जाती है, अगर मैं नहीं रहता अपने जो कमिटमेंट है उनको ना करना। 15 को उनकी डेथ हुई है, 24 को मैं बरेली में स्टेज पे थी। आज जब पीछे मुड़ के देखती हैं खुश हैं आप, आपको लगता है जहाँ पहुँचना हाँ, चाहती थी पहुँची वहाँ। मुझे कोई आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बेटी है वो मीडिया में है, मेरा एक बेटा है पायलट है कमर्शियल पायलट, मेरी डॉटर लॉ भी पायलट है, बोथ आर पायलट, और छोटा बेटा वो भी बॉम्बे में आजकल है, उसकी वाइफ भी है, वो भी बच्चे मेरे हैं, जो बड़ी है। जो ग्रैंड डॉटर है वो शी इज 21 नाउ। ओके, इसके अलावा वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं? मुझे वक्त मिलता ही नहीं, संगीत हर समय बांधे रखता है आपको। बाकी मेरे है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तो मुझे इनकरेज किया, आर्मी में थे, फोर्थ जनरेशन इन द आर्मी, उसी सेम रेजिमेंट में स्किनर्स में थे वो जी। हाँ, उन्होंने 65 लड़ाई लड़ी, और लेकिन साथ साथ इधर उन्होंने जो है बहुत इनकरेज किया मुझे। बेगम अख्तर, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। क्या बहुत से जो फनकार, हालांकि गजल गायकी जो है या सूफी अगर बात करें उसकी सिंगिंग की, तो वो एक मुश्किल फन है अपने आप में, फिर भी जो नए कलाकार अब आ रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए जी, एक तो रियाज करें, रियाज करने के बाद सुबह उठें, रियाज करने के बाद दूध पिए, उसमें थोड़ा घी डालें, और बादाम 5 काली मिर्चें और 2 मिश्री के दाने, अच्छा ये जरूर लें, इससे दमदार आवाज होती है जी। मुझे कहते जी आप जोर कैसे आते हैं, मैंने कहा मैं तो यही खाती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस खाएं, लेकिन ये नहीं कि रियाज ना करें और खाएं, है ना, तो रियाज बहुत जरूरी है। सच में आपसे बात करते हुए और आपकी सिंगिंग को सुनते सुनते गायकी का जो लुत्फ है वो ऐसा है कि लगता है बस उसी में मगन हो जाया जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा है, फिर भी जाने से पहले एक इनायत आपकी तरफ से और हो जाए। इश्क में गैर थे जज्बात ने रोने न दिया, इश्क में गैर थे जज्बात ने रोने
न दिया वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैर थे।